हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मजे में होंगे। तो आज है थर्सडे और मैं प्रिशा को छोड़ के आ गई स्कूल से। एक राउंड मार रही थी अभी सोसाइटी का, घर पे आती नहीं ना धूप, तो इसको यहाँ पे सेक रही थी। ग्रास कटिंग की ये मशीन देखो, जब ग्रास कटिंग होती है ना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कैसे कट रहा है सब, कितना मैनेजेबल तरीके में हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब होती है तो मैं बड़ा इंटरेस्ट से देखती हूँ। प्रिशा मुझे रोज बोलती है, मम्मा रॉक पेपर सीजर खेलो, रॉक पेपर सीजर। सच बताओ मुझे ना गेम समझ ही में नहीं आता है। तो मैं अभी ऐसी देख रही थी यूट्यूब में, मुझे समझ में आया कि क्या होता है एक्चुअल में। बच्चे बताते हैं तो समझ में भी नहीं आता और हम लोग समझना भी नहीं चाहते। तो मैं भी देख रही थी। ओनली ब्रदर सिस्टर डैडी गुड मॉर्निंग शांति से गुड मॉर्निंग किस ऑन माय फोरहेड सानू गिव मी गुड मॉर्निंग किस तो अभी दो कुरियर आए मेरे सुबह सुबह। तो एक मैंने वेलवेट का नाइट सूट मंगाया था अपने लिए, मेरे काफी दिन से चाम था कि यार मैं ये लूं। तो ये मैंने लिया है, एक ब्लू कलर का, रेड भी था लेकिन रेड ना थोड़ा सा इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि अगर रेड लो तो रेड थोड़ा सा सेंटा क्लॉज टाइप का लग जाता है, तो मुझे ब्लू पसंद आया। इसमें ग्रीन भी था। और इसके अलावा ये कुर्ती आई है, तो कुर्ती मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी सोचेंगे कि कुर्ती ले ली इतनी सारी गर्म कुर्तियां, लेकिन पता है वो क्या रहा है, मैं जो कुर्ती ले रही हूँ ना वो कभी साइज छोटा हो जा रहा है या फिर साइज कलर नहीं आ रहा है वो वाला, तो वो मैं रिटर्न भी मार दे रही हूँ। ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, इस तरीके का है। तो ना धो के आज सोचूं ये वाली कुर्ती डालूं मैं, तो रोज भीगी हुई दाल खा के बोर हो गए थे तो मैंने सोचा चलो आज दाल को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया जाए। सो गाइस, ब्रेकफास्ट में यहाँ पे बन रहे हैं दाल के चीले। तो दाल मैंने मिक्स करके रात को भिगा दी थी, शाम भी खा लेगी थोड़ा सा, ये बेसन डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा अच्छे बने चीले फटे ना। दाल का चीला, मिक्स दाल का चीला। सो मैं नहा गई हूँ और अभी बाल तो बनाए नहीं है, ये कुर्ती डाली है मैंने, फिटिंग में नहीं आ रहा है। कैसी लग रही है बताना, कानों में पहन लेती हूँ। सबसे ज्यादा इसी तो मुझे ये लगता है, इसमें से निकालो पहनो। चांदी नो नो नो, ये देखो मेरी अंदर में घुस गई। चांदी नो नो नो, मम्मी बैठो कम ये पहन लेती हूँ। अरे सीमा जाक, ओ माय गॉड, यहाँ देखो मैं यहाँ सारी चीजें छेड़ दूंगी। चलो बाहर आओ, नो बेबी दूंगी मैं, आ जाओ आ जाओ, मम्मा देगी बाहर। तुम तो ऐसे बैठे हुए हो ना जैसे पता कैसे बैठे हो ऐसे ना, बताओ क्या होता है, ये पीछे से ठंड होती है पीछे से, इसलिए अगर मैं ये लगा लेता हूँ ना कंबल पीछे से, पतला कंबल है कौन सा यार, हमको क्यों नहीं लगती है ऐसी पीछे से ठंड है। तुम काम करती हो ना भाई, जो काम करता है किचन में उसे ठंड नहीं लगती है। चलो फिर हाथ बटा लो, तुम गर्मी प्रदान कर आ जाओ किचन में, काम कर। तुम तो पता कैसे बने हो, तुम पता कैसे लग रहे हो, बाबा बर्फानी लग रहे हो तुम ऐसे ये तुमने ये क्या मोदी जी की तरह चोला पहन के बैठे, ऐसे लग रहे हो केदारनाथ में बैठे बैठे होंगे मोदी जी। गुफा से कोई कम नहीं है, या फिर ठंड हो रही है ऐसी, कोई ठंड नहीं हो रही जितने तुम ये हाथ मल लो ना। आदमी अगर एक जगह पे आदमी बैठा रहता है तो ज्यादा ठंड होती है, चलता रहे फिरता रहे काम करता रहे, वही तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ। चलो चलो ये काम कौन करेगा, तू कितना सुंदर लग रहा है, पापा थोड़ा हिल ले लो इसको, सुसु आ रही क्या। अर्जुन के खाने में जो दाल मैंने अभी पीसी थी सुबह में और जिसके चीले बनाए थे, वही दाल अभी बची है ये, और कुछ दाल मैंने सुबह भिगा दी थी, ये तो थोड़ी सी बची हुई है। तो ये वाली दाल अरहर और चना और भिगा देता उसी टाइम पे, ताकि सब पीस पीस के और फाड़ा बना दो, फाड़ होते ना। नो 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 डोंट डू दिस, मैं पिट्टी करूंगी। नो अभी मैं दूसरे चैनल के लिए काम कर रही थी, तो काम करते करते टाइम हो गया। आज दीपक शिक्षा को ले आया स्कूल से, और आज ना कम बच्चे आए थे स्कूल में, इसलिए क्योंकि विंटर वैकेशन भी पड़ गई कल से, मतलब आज से। और ये कि दूसरा मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं गए थे, तो मैं भी नहीं गई थी। मैंने कहा दीपक को तुम ले आओ, मैंने कहा मैं तब तक काम करती हूँ, और खाना भी नहीं बना पाई टाइम पे। तो वैसे मैंने सोचा था वो बनाऊंगी दाल का फाड़ू, लेकिन वो नहीं बनाया, तो अब मैं मैगी बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये बच्चों के लिए बन रही है प्लेन मैगी, तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड खाएंगे प्याज वाली मैगी। शाम का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बना रही हूँ। यहाँ पे चाय रखी है, ये बन गया हलवा, और मैं इसके ऊपर ये नारियल क्रश करके रखा था ये डाल देती। तो फ्रेंड्स डिनर टाइम स्टार्ट हो गया, जैसे मतलब डिनर बनाने का टाइम स्टार्ट हो गया, तो मैं डिनर बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और रोटी बनेगी। अभी हलवा खाया था, तो हलवा खा के ना मेरे को तो पानी क्यों पेट खट्टा खट्टा सा हो जाता है मेरा, मतलब बोलते ना अजीब सा,
अच्छा आलू मटर की या फिर गोभी मटर की सब्जी बनाओ ना, तो इसमें अगर अदरक क्रश करके डाल दो तो बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो बच्चे भी खा लेते क्रश करके डालो ना, तो अदरक अदरक खा लेते हैं, कोई पंगा नहीं होता। सब्जी को अच्छे से जब मैं भून लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं टमाटर बाद में डालती हूँ जब मुझे ढक्कन बनाना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है ना खट्टापन आ जाता है सब्जी में, तो मुझे टेस्टी लगती है खट्टी खट्टी सब्जी ना। इसको देखो जरा ये कहाँ बैठी है, अगर ये यहाँ से गिर गई तो क्या होगा बेटा, है तुझे कौन बोला? इतनी बार मैं इसको समझा चुकी हूँ कि बेटा यहाँ मत बैठो, डोंट सिट हियर। ये देखो यहाँ से गिरना नहीं है इसने, वो तो ये है कि बहुत ज्यादा क्या है पॉकेट में बेटा, तुम लोग इतनी चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। पहले भी कभी तो मेरे पीछे कुछ चिपका देती है, फिर बोलती है मम्मा आपके पीछे कुछ चिपका है, कभी मेरी जेब में कुछ डाल दो, मम्मा ये देखो ऐसे मेरे शरारती बच्चे रखे, समझते नहीं, कितना समझा लो बात को मानती नहीं है, गंदा बच्चा सॉक्स नहीं पहन रही है, सॉक्स पहनने में तो पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने सुबह से 5 बार सॉक्स पहनाए थे इसको, फिर उतार देंगे फिर चले। नो हम ये मैं अब मैं डंडा बाटू, मेरे को भगा रही है कि तुम मुझे ओहो। और अब मैं आ गई टॉय रूम में, और तब से मैं टॉय रूम साफ कर रही हूँ, वहां से सारे टॉयज बिखरे थे, मैंने अब नई टेक्निक सोची, मैं सोच रही हूँ पहले ना इस दरी को अब झाड़ दिया करूंगी, और उसके बाद सारे खिलौने इसमें लगा के एक पोटली बना दूंगी, और उसको कहीं रख दूंगी इधर साइड में, और सुबह जब वो झाड़ू पोछा लग जाएगा उसके बाद ये पोटली उठा के एज इट इज खोल दूंगी, ताकि सामने आप इस टॉय से खेल सके, तो नहीं तो मेरी हालत खराब हो जा रही है इसको बैग में रखने में, या मैं बैग रखा हुआ ना वो प्रेम में उसमें शिफ्ट करूँ ये करूँ, बहुत ज्यादा आफत आ रही है। और अभी बाहर भी बहुत सारे टॉयज पड़े हुए हैं, सारे टॉयज मुझे रखने, ये देखो और भी आ गए, तो जगह जगह बिखरे हुए हैं टॉयज, तो अभी इन्हें रख रही हूँ मैं, तो अब मैं ऐसे ही करूंगी रोज रोज, क्योंकि यार बच्चे को मना भी नहीं कर सकते कि तू मत खेल मत खेल, क्योंकि आप अब वो ना थोड़ा सा ये अल्फाबेट वगैरह ये नंबर्स वगैरह इनको ना फिक्स करने लग गई है बोर्ड में, तो अब मैं उसे मना करूँ तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे की लर्निंग खराब हो जाएगी फिर, तो इसलिए टॉयज रहने देती हूँ, थोड़ा सा अब मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं बहुत पहले से ही जो है टॉयज वगैरह संभालती रहती हूँ, लेकिन यार इतने छोटे छोटे टॉयज रहते हैं ना, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के रखने में मेरी आफत आ जाती है, अब समझती नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेट्स से ये काम फिनिश करती हूँ, फिर दूसरे कमरे में जाती हूँ। ये देखो तो भी गए, ये सारे बाहर से आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ प्रिशा को ना, प्रिशा भी दिन प्रतिदिन लापरवाह हो रही है अपनी चीजों को लेके, स्टेशनरी इसने सारी ऐसी फेंकी हुई इसने, और वो सानवी को मिल जाए ना तो पेंसिल तो दीवारें तो खराब होनी होनी है। आज प्रिशा है गुस्से में क्योंकि प्रिशा को पापा कहीं घुमाने नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना इतना ज्यादा फैला हुआ है, पापा को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्रिशा बोल रही है पापा हैप्पी न्यू ईयर है चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो मैंने बोला बेटा नहीं ले जा पाऊंगा आई एम सो सॉरी। पता नहीं चल रहा है ये बच्चा गुस्से में ही या फिर हंस रहा है। जल्दी जल्दी ब्लॉग इन करना, अरे गुड्डा साना मेरा यहाँ पे सो गया है, सारी बदमाशियां इसकी पूरी हो चुकी है, थक गई है वो बदमाशियां कर करके एक्चुअली। तो हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस और देख रहे हैं देवर लीना का, हाँ तुम जल्दी पॉज कर दे। चलो फिर हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे, और फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए फ्रेश ब्लॉग में। प्रिशा भी गुस्सा है तो प्रिशा बाय नहीं करती, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।